केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और उससे जुड़ी पौराणिक कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव पांडवों से छिप रहे थे, लेकिन फिर भी पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया था और भीम ने भगवान शिव को उनकी पीठ से पकड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। पांडव और कौरव एक दूसरे के संबंधी थे और महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारा था। इस वजह से पांडवों पर अपने ही संबंधियों की हत्या करने का पाप लग गया था, जिसका कि उन्हें पश्चाताप था। पांडव इस गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे और वह जानते थे कि भगवान शंकर उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और पांडवों को दर्शन नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए भगवान शिव उनसे छिप रहे थे। पांडव भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंच गए। भगवान शंकर ने पांडवों से छिपने के लिए गुप्त काशी में एक भैंसे का रूप ले लिया और बाकी पशुओं में जा मिले, लेकिन पांडवों ने यह पहचान लिया कि पशुओं के बीच ये जो भैंसा है वो भगवान शंकर ही हैं, और भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी। ये देख भगवान शिव धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने भैंसे की पीठ पकड़ ली। भगवान शंकर की पीठ यहीं रह गई और वह बना केदारनाथ धाम और उनका सर निकला नेपाल में, जिसे कि जाना जाता है पशुपतिनाथ जी के नाम से। उस भैंसे के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर गिरे और इन 5 जगहों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। तब भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्हें इस पाप से मुक्त किया, और इस तरह भगवान शिव केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि यहाँ पर भैंसे की पीठ रह गई थी, तभी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पीठ के आकार का है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था और जो मंदिर हम आज देख रहे हैं यह आज से करीब 1200 साल पुराना है, जिसका कि निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में करवाया था। ये मंदिर 13वीं से 17वीं सदी तक, यानी कि करीब करीब 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस मंदिर की दीवारों पे बर्फ के रगड़ने के निशान भी हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही साथ यह 4 धामों में से एक धाम भी है। इसके अलावा आपने 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बारे में तो सुना ही होगा। उस आपदा में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन ये मंदिर यों का तो इसी स्थान पर खड़ा रहा। एक शिला, जिसका की नाम भीम शिला पड़ा, उसने इस मंदिर को बचाया था। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के बीच में है और इस मंदिर के थोड़े ही ऊपर जाकर के ग्लेशियर्स हैं, जहां से मंदाकिनी और सरस्वती नदी उत्पन्न होती हैं। और साथ ही साथ केदारनाथ मंदिर के ऊपर की तरफ एक लेक भी है, जिसका की नाम है चोराबारी लेक, जिसमें की काफी ज्यादा पानी रहता है। 2013 में पहले तो काफी तेज बारिश हुई, जिस वजह से इन नदियों में पानी का स्तर काफी बढ़ गया था और काफी चीजें डूब गई थीं। लेकिन असली सैलाब आया चोराबारी लेक के फटने से, जिसकी वजह से उसका सारा पानी काफी तेजी से केदार घाटी में आया और अपने साथ सब कुछ तबाह कर गया। ये सैलाब केदारनाथ मंदिर से होकर के निकला, लेकिन सैलाब के साथ एक चट्टान भी नीचे आई, जो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे आके रुक गई। इस चट्टान की वजह से पानी 2 भागों में विभाजित हो गया और सीधे मंदिर पे ना आके उसके दोनों साइड से निकल गया। इस चट्टान ने केदारनाथ मंदिर को बचाया और तब इस शिला का नाम पड़ा भीम शिला। तो ये है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। केदारनाथ घाटी में सर्दियों के दिनों में काफी बर्फ पड़ती है, इसलिए ये मंदिर सर्दियों में बंद रहता है। श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर अप्रैल मई के महीने में खुलता है और नवंबर में बंद कर दिया जाता है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर जाने के लिए गौरीकुंड से करीब 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। गौरीकुंड से रामबाड़ा होते हुए श्रद्धालु पहुँचते हैं बाबा केदारनाथ के धाम। ओम नमः शिवाय।